हेलो एवरीवन, आई एम मानसी जैन। वेलकम टू माय चैनल। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बेसिकली मैंने ये डिस्कस किया था कि भाई अगर आपकी वाइफ एक होम मेकर है और आप चाहते हैं कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट उनके नाम से कर दें, उनको कुछ अमाउंट देकर, चाहे वो एज सैलरी दिखा दें चाहे ना दिखाएं, तो बेसिकली आप अगर चाहते हैं कि कुछ अमाउंट उनको देकर आप इन्वेस्टमेंट उनके नाम से कर दें जिससे कि जो टैक्स लग रहा है वो भी डिवाइड हो जाए, इनकम भी डिवाइड हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो ये मैंने डिस्कस किया था कल के वीडियो में, जिस पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर लव। एंड वो कमेंट्स मैंने पढ़े हैं सबसे पहले तो, और मैं उनको रिप्लाई भी करूँगी, कईयों पे मैं वीडियो भी बना दूंगी। तो मगर उसमें एक कमेंट जो मुझे बार बार देखने को मिला वो था गिफ्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज का टॉपिक समझा देती हूँ। मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई क्योंकि गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है जब आप स्पेशली अपने अपने रिलेटिव को देते हैं, और स्पाउस रिलेटिव में आती है, तो आप जब स्पाउस को गिफ्ट दे रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट होता है ना। तो मैं बताऊंगी आपको कि वो जो गिफ्ट वाइफ को मिला है क्या उसको इन्वेस्ट करके जो गेन्स होंगे वो किसमें टैक्सेबल होंगे, ये मैं आपको आज बताऊंगी। मगर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मुझे आपका ओपिनियन आपका चाहिए, आप क्या चाहते हैं इस चीज़ में। मेरे पास दो तरीके होते हैं, एक तो मैं एक कंसेप्ट उठाऊं उसके उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो भी एंगल्स है एक ही वीडियो में समझा दूं, उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है जो कि मैं नहीं चाहती। तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाती हूँ 5-5.5 मिनट के, जो कि आपने देखा भी होगा। तो मैंने इस चैनल की कम्युनिटी पे एक पोल किया है, कम्युनिटी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस पोल में आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करिए, उसमें मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं मैं छोटे वीडियोस बनाऊं कि एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स डाल दूं। तो जितना ज़्यादा आप पोल करेंगे उससे मुझे समझ आएगा कि आप क्या चाहते हैं, तो आप जाके ज़रूर पोल करिएगा। अब चलिए हम अपना जो है आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी जैसे मैंने लास्ट टाइम समझाया था। तो मिस्टर राम कुमार जो है उनकी वाइफ है मिसेस शालिनी, और उन्होंने अब क्या किया कि अब अपनी वाइफ को जो कि वो होम मेकर है उनको 2 लाख का गिफ्ट दे दिया, 2 लाख बेसिकली कैश दे दिया, और वो गिफ्ट है। तो आप जब स्पाउस को गिफ्ट देते हैं तो वो स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है, वो इनकम नहीं होती है, वो गिफ्ट होता है। और आप रिलेटिव को गिफ्ट देते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, तो इसलिए वो स्पाउस के लिए टैक्सेबल नहीं है। सबसे पहले ये बात समझनी जरूरी है क्योंकि इस चीज में डिफरेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि भाई जिसको गिफ्ट मिल रहा है क्या उसके लिए टैक्सेबल है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि उसके उसके ऊपर वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है जो कि आप मेरे से सब पूछ रहे थे कि भाई अब अगर शालिनी जी इस 2 लाख को इन्वेस्ट कर देती हैं, अब जो उस इन्वेस्टमेंट पे गेन आएगा वो किसको टैक्सेबल होगा? अब समझिए, अगर अब समझते हैं हम, सपोज करते हैं कि उन्होंने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, एफडी कर दी उस 2 लाख के अमाउंट की एफडी कर दी, तो अब उस पर इंटरेस्ट तो आएगा जो कि टैक्सेबल है। अब उस पर टैक्स कौन देगा? उस पर टैक्स देंगे उनके हस्बैंड, शालिनी जी उस पर टैक्स नहीं देंगी, ठीक है। तो बेसिकली अर्न किसने किया है? उनके हस्बैंड ने किया है ना, तो इसलिए टैक्स भी हस्बैंड ही देंगे। हम सपोज करते हैं उन्होंने एफडी नहीं कराई, उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया और फिर उसको उन्होंने बेचा, उससे उनको कैपिटल गेन हुआ, तो उस पर टैक्स कौन देगा? उस पर भी टैक्स उनके हस्बैंड देंगे, शालिनी जी नहीं देंगी। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर आप ये दिमाग ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ रहा हो तो, कि अगर शालिनी जी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अपने हस्बैंड से कुछ पैसे ले रही हैं और उसको फिर इधर उधर इन्वेस्ट करके कुछ अर्न कर रही हैं, तो वो जो अर्निंग्स होंगी वो किसके इनकम में क्लब हो जाएंगी? उनके हस्बैंड की इनकम में क्लब हो जाएगी। उस पर टैक्स कौन देगा? उनके हस्बैंड देंगे, चाहे वो एज गिफ्ट रिसीव करें, चाहे वो एज फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ अमाउंट मंथली रिसीव करें। और ये वीडियो अब यही समाप्त होगी क्योंकि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था जो मुझे आंसर करना था। आई होप आपको ये समझ आया, और अगर आपको समझ आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें सारे नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गुड बाय।